लेता है और साथ लेके ही उस काम को चलाता है। तो उसी तरह से एक खेलने वाला, नृत्य करने वाला, वो भी अपना एक साथी खोज रहा है, मैंने नाचने के लिए, खेलने के लिए। तो जेठ जत्रा राग में कहता है कि ये लड़की तुम बहुत अच्छा से पढ़नी हो रही हो, तुम आओ साथ में हम लोग खेलेंगे। तो उड़ुक भाषा में है, कहा कि तुम अच्छा से पहनी हुई हो, तुम हमारे साथ आओ, तुम्हारे बिना हमको खेलने में रीझ नहीं आ रहा है, तुम हमको साथ होगे, हम साथ खेलोगे तो हम लोग बहुत ही राम आनंद के साथ खेलेंगे। तो फिर उसी के पता है कि अरे यात्रा परी बराए को निगाय बिनु इसको तोकना कहते हैं, हमने देखना। हाँ, तो इस तरह से जेठ जत्रा का थी हुआ। अभी जेठ जत्रा के बाद फिर आषाढ़ महीना आएगा, आषाढ़ में पानी बरस रहा है, बांसुरी के ताल में कोई चरवाहा छाता के नीचे बैठा है और धीमी धीमी पानी आ रहा है, बांसुरी फूक रहा है और इतना आनंद पूर्वक, आनंद विभोर हो करके बजा रहा है कि अगर कोई राहगीर चल रहा है तो उसका आवाज को सुन के बिना ठहर के रुके बिना वो पार नहीं हो सकता। तो इस तरह से बांसुरी का आषाढ़ी में है। तो आषाढ़ी में उड़ुक भाषा में कहता है कि भाई पानी आ रहा है, किधर से पानी आ रहा है, बादल कैसा गरज रहा है, पानी आने से खेत खलियान कैसा हो रहा है। तो कहता है हरे कैसे नहीं हो सक रहे हैं तो भाई को बोल रहा है कि आओ दादा हमको इसमें पार करो। पार कर देने से हम मने बहुत
आनंदित होंगे, हम बहुत रीझ के साथ खुशी के साथ हम खेलेंगे, खुशी मनाएंगे, नहीं तो हम इधर नदी में छिकाव रहेंगे तो फिर तो हमारा तो कुछ अच्छी नहीं है। तो इस तरह से मौसम का, हर मौसम का 12-13 किस्म का हर महीना के लिए अलग अलग गीत का राग है, और जितना भी गीत है केवल प्रकृति के साथ, पेड़ पौधा नदी नाला जंगल झाड़ या तो अपना परिस्थिति से घटित कुछ घटना है। जैसे अभी हम लोग धुरिया कहेंगे तो धुरिया में एक मने बहुत बड़ी परिस्थिति जिसको भूख का बात कहा गया, उसमें कहा गया है गीत में, कीड़ा कीड़ा बदी को फेलो है मीरानी सामने करके बहुत भूख है, बहुत भूख है, खाना नहीं मिल रहा है, कैसे जीना पानी चलेगा, तो वो संताना दे रही है कि बेटी भूख भूख कह रही है, लेकिन ये भूख ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, सबूर करो ये भूख दूर हो जाएगा। तो कहती है कि तुलसी एक लकड़ी का होता है साग तोड़ने के लिए, हाँ तो कोयना साग अक्सर में जा करके तोड़ो, उसी को खाओ पियो कुछ दिन तक जो साग पात मिल रहा है, और ये भूख ज्यादा दिन रह नहीं रहेगा, एक दिन जरूर अन्न पानी हम लोग को मिलेगा। तब फिर कहता है कि एक टुकड़ा रोटी और एक पत्ता साग खा खा के हम जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हे भगवान आपको भी इतना दया नहीं है कि हम इसे इस भूखी के लिए अन्न का व्यवस्था नहीं कर रहे। तो इस तरह से भगवान को भी गीत के माध्यम से अर्जी किया है कि हम इतना परेशान हो रहे हैं भूख से कि हम एक टुकड़ा रोटी खा के और एक पत्ता साग खा खा के अपना जीवन ठीक रहे, लेकिन क्या आपको भी हमारे अति पर रहम नहीं हो रही है, दया नहीं हो रही है कि हमारे लिए कुछ उस तरह से व्यवस्था नहीं कर रहा है। ऐसा हमारे साथ अपना घटना घटी है, इसको हम भी याद करते हैं। 68 में मिलो उलो आता था बाहर से, लोग मिलो देता था, जो लोग गरीब ज्यादा था ना उन लोग को देता, आप लोग को चीनी ले जाइए, आप लोग का इतना जमीन है कहता था जमाती लोग, जमींदार लोग नहीं देता था, ऐसा ऐसा स्थिति से हम लोग गुजरे हैं। तो गाना में है तो सच्ची चीज, हाँ तो गाना ऐसे ही नहीं बना है ना, उसी परिस्थिति से ही गाना।